नमस्कार। आज हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है ट्विल वीव एंड इट्स डेरिवेटिव पार्ट टू। ट्विल वीव एंड इट्स डेरिवेटिव पार्ट वन में हमने पढ़ा ट्विल वीव के बारे में और के डेरिवेटिव्स जैसे राइट हैंड ट्विल, लेफ्ट हैंड ट्विल, बैलेंस ट्विल, पॉइंटेड ट्विल, वेव्ड एंड और जिगजैग ट्विल एंड ब्रोकन ट्विल, ये हमने पार्ट वन में पढ़ लिए हैं। अब पार्ट सेकेंड में आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज्ड और रीअरेंज ट्विल, हेरिंग बोन ट्विल, इलोंगेटेड ट्विल, कंबाइंड ट्विल, डायमंड वीव और डाइपर वीव। सबसे पहले ट्रांसपोज्ड और रीअरेंज ट्विल। ट्रांसपोज्ड और रीअरेंज ट्विल, इस ट्विल में एक निश्चित ब्रेकिंग फैक्टर के बाद ट्विल लाइन की निरंतरता में ही पुनर्व्यवस्थित कर या इसकी दिशा बदल कर ट्विल का उत्पादन किया जाता है। या तो सभी ट्विल लाइनों को फिर से व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि पूरी तरह से प्रत्यारोपित या पुनर्व्यवस्थित, या वैकल्पिक रूप से उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, यानी हाफ ट्रांसपोज्ड। तो इसके दो टाइप हो गए, फुल ट्रांसपोज्ड और हाफ ट्रांसपोज्ड। पहले के मामले की तरह, यानी ब्रोकन ट्विल वाले मामले की तरह, यदि कारक इकाई डिजाइन यानी यूनिट फैक्टर जो है डिजाइन का, वो रिपीट के अकॉर्डिंग मूल ट्विल के समान ही होगा। यदि के मूल डिजाइन का कारक नहीं है तो नंबर ऑफ एंड्स इक्वल टू के और एन का एलसीएम, यानी के फैक्टर और एन नंबर ऑफ पिक्स का जो एलसीएम होगा वो उसका रिपीट साइज होगा। तो पहला जो है वो है हाफ ट्रांसपोज्ड या आधा ट्रांसपोज्ड ट्विल। टूटे ट्विल के समान ही हाफ ट्रांसपोज्ड होता है, नियमित अंतराल पर इसको उलटकर बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने सिक्स थ्रेड का लिया है, तो तीन के फैक्टर हमने तीन लिया है, तो तीन थ्रेड्स का, यानी पहले तीन हम एज इट इज रखेंगे और दूसरे तीन को हम रिवर्स कर देंगे। तो एक से तीन तक हमने स्ट्रेट ट्विल भरा है और उसके बाद हमने छः पाँच चार पर रिवर्स किया है। इसी तरह सात आठ नौ पर हमने स्ट्रेट भरा है और बारह ग्यारह और दस पर हमने रिवर्स किया है। तो इस तरह ये हमारा हाफ ट्रांसपोज हुआ है, जिसमें कि आधे धागे हमने सेम रखे और आधों को हमने ट्रांसपोज किया, पुनर्व्यवस्थित किया, रीअरेंज किया। इस तरह ये हाफ ट्रांसपोज बना। इसका जो ड्राफ्ट है वो ब्रोकन ड्राफ्ट है और पैक प्लान जो है स्ट्रेट ट्विल जो हमारा नॉर्मल ट्विल है वो टू ऑफ फोर डाउन, जो कि हमने मैंने लिया है टू ऑफ फोर डाउन। तो यहाँ पर जो हमने बेस मार्क लिए थे उनको रेड कलर से हाईलाइट किया है और उनके ऊपर हमने एक एक मार्क एक्स्ट्रा टू अप फोर डाउन का ट्विल बनाने के लिए हमने मार्क लगा दिया है। इस तरह ये हमारा हाफ ट्रांसपोज ट्विल तैयार हुआ है। सेकंड है फुल ट्रांसपोज ट्विल। इसको बनाने के लिए फोर अप फोर डाउन पूरी तरह से ट्रांसपोज ट्विल हमें बनाना है, जिसमें के फैक्टर तीन लिया है और एन जो है चार प्लस चार इज इक्वल टू आठ लिया है, यानी एन इज इक्वल टू एट हो गया। तो नंबर ऑफ एंड्स जो होंगे वो हमारे एट और एलसीएम के फैक्टर का एलसीएम, यानी आठ और तीन का एलसीएम, 24 एंड्स पर ये रिपीट हमारा बनेगा। तो रिपीट का साइज हो जाएगा 24 बाई आठ, यानी 24 वार्प और आठ वैक्ट। आधार का बेस मार्क निकालने के लिए हमें, क्योंकि ये 24 पर हम बना रहे हैं और हमारा साइज रिपीट साइज एंड जो है वो आठ है, तो एक से लेकर आठ तक हम तीन बार इसको रिपीट करते हैं, वन टू एट, वन टू एट, वन टू एट, जैसा कि ऊपर वाली आधार अंक के आगे हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ के हिसाब से इसको लिख लिया है और फिर हमने इसको तीन तीन के ग्रुप में बांट लिया है। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज में हमने इन सबको रिवर्स कर दिया है, जो भी हमारे बेस में ऊपर जो ग्रुप थे उन सबको हम रिवर्स कर देंगे। जैसे वन टू थ्री को थ्री टू वन, सिक्स फाइव फोर, वन एट सेवन, फोर थ्री टू, सेवन सिक्स फाइव, टू वन एट, फाइव फोर थ्री और एट सेवन सिक्स। इस तरह ये हमारे बेस मार्क निकल आए हैं। अब हम इन्हीं नंबर के पिक्स पर मार्क करेंगे, तो हमारा जो वीव स्टार्ट होगा वो तीन नंबर से हम इसमें स्टार्ट करेंगे। देखिए आगे यहाँ ग्राफ में देखिए, तीन दो एक, छः पाँच चार, जो हमने बेस मार्क निकाले थे उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें बेस मार्क में क्रॉस लगा दिया है और रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। और हर एक बेस मार्क के ऊपर हमने तीन एक्स्ट्रा मार्क लगा दिए, क्योंकि हमारा ट्विल भी फोर अप फोर डाउन है, इसलिए हमने तीन मार्क एक्स्ट्रा लगा दिए, तो ये फोर अप हो गए और बाकी फोर डाउन हो गए। तो इस तरह ये पूरे बेस मार्क्स पर हम
एक्स्ट्रा मार्क लगा देते हैं और इस तरह ये हमारा फुल ट्रांसपोज ट्री बन जाता है। इसका ड्राफ्ट जो है वो बेस मार्क की तरह ही होता है और पैग प्लान जो होता है वो फर्स्ट एन थ्रेड्स यानी पहले आठ एन इज इक्वल टू एट है हमारा, तो पहले आठ थ्रेड में जैसा वीव भरा हुआ है बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पर हम वीव पैग प्लान में भर देंगे। हेरिंग बोन ट्विल, ट्विल का दिशा परिवर्तन एक अलग तरीके से किया जाता है। उल्टी दिशा को आधे से काट दिया जाता है, निचले आधे हिस्से को पहले खींचा जाता है। पहला आधा हाफ जो है n बाई टू वो हिस्सा जो है उसको पहले खींच लेते हैं। आधार के निशान पहले पिक से शुरू करते हैं और अंतिम पिक पर समाप्त होता है पहला फर्स्ट हाफ जो है। फिर आधार अंक n बाई टू पिक से रिवर्स ऑर्डर में खींचे जाते हैं और पहले पिक पर समाप्त होते हैं। इसके बाद वाले आधार के निशान को अंतिम पिक से शुरू करते हैं और n बाई टू के बगल में समाप्त किया जाता है। रिपीट साइज 2n बाई n के बराबर होती है और ड्राफ्ट आधार के निशान के समान होते हैं। बीच में तोड़ने के लिए n एक सम संख्या होनी चाहिए, ये जो ब्रेक हम करते हैं उसके लिए n जो है वो सम संख्या पर होना चाहिए। ज़्यादातर फैब्रिक्स जो हेरिंग बोन से बनते हैं वो फैब्रिक बेड कवर टॉवल फैब्रिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बनाते हैं हम टू अप टू डाउन का हेरिंग बोन ट्विल, तो यहाँ n हमारा 2 प्लस 2 4 हो गया। रिपीट साइज 2n बाई n यानी 2 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 हो गया। 8 बाई 4 के साइज पर हम इसको बनाएंगे, 8 कार्ब और 4 वेट। बेस मार्क जो है वो हमारा 1 2 3 4 और n बाई 2 एंड्स को हमने 1 2 3 4 रखना है और उसके बाद वालों को फर्स्ट एन थ्रेड्स जो हैं 1 से 4 तक उन पर हम स्ट्रेट एजिटीज भरेंगे। सेकंड जो हाफ है उसमें एन बाई टू वाला जो हिस्सा लेंगे तो उसमें पहला 2 और 1 में फिल करेंगे और दूसरा 4 और 3 में। तो इस तरह ये जो मार्क हम रेड से हाईलाइट करके क्रॉस लगा रहे हैं 1 2 4 तक हमने स्ट्रेट ट्विल हमने फिल कर दिया है 2 अप 2 डाउन का। और उसके बाद एन बाई टू पहला नीचे वाला हाफ जो है उसको फिल करेंगे जो कि सेकंड से शुरू होता है और फर्स्ट पर ख़त्म होता है। दूसरा जो n बाई टू हाफ है उसको हम 4 से शुरू करेंगे यानी लास्ट पिक से शुरू करेंगे और n बाई टू के ऊपर वाला है यानी n बाई टू दूसरा है तो तीसरे पर हम इसको ख़त्म करेंगे। तो 4 और 3 पर ये भी ख़त्म हुआ है। अतः 1 से 4 फिर 2 1 फिर 4 3 इस तरह ये हमने भी फिल कर दिया है और बीस मार्क के ऊपर एक एक्स्ट्रा मार्क लगाकर 2 अप 2 डाउन हमने इसको बना दिया है। ड्राफ्ट इसका हेरिंग बोन वाला ड्राफ्ट ही है, ब्रोकन ड्राफ्ट है और पैग प्लान जो है फर्स्ट एन थ्रेड्स में जो वीव भरी हुई है बिल्कुल वैसी की वैसी इसमें पैग प्लान में भरी जाएगी। एलोंगेटेड ट्विल, सामान्य ट्विल बुनाई में झुकाव कोण 45 डिग्री का होता है। जनरली जो हम ट्विल बनाते हैं उसका डायगोनल लाइन जो है उसका एंगल जो होता है ट्विल एंगल वो 45 डिग्री का होता है, लेकिन यदि ट्विल कोण 45 से अधिक है तो इसे स्टीप ट्विल कहा जाता है और यदि 45 डिग्री से कम है तो इसे रिक्लाइनिंग ट्विल कहा जाता है, रिक्लाइनिंग ट्विल जो कि 45 डिग्री से कम होता है। इन ट्विल बुनाई को इलोंगेटेड ट्विल यानी लंबी बुनाई कहा जाता है। ट्विल का जो कोण है वो अल्फा निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला प्रति इकाई यानी इंच छोरों की संख्या नंबर ऑफ एंड्स पर इंच ईपीआई और पीपीआई फिक्स प्रति यूनिट स्थान की संख्या के सापेक्ष अनुपात यानी ईपीआई और पीपीआई के अनुपात पर निर्भर करता है। और दूसरा इंटरलेसिंग की उन्नति दर यानी स्टेप अपवर्ड और स्टेप आउटवर्ड की जो रेट है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फॉर्मूला फॉर ट्विल एंगल इज अल्फा इज इक्वल टू स्टेप अपवर्ड इनटू पीपीआई यानी एंड्स पर इंच अपॉन स्टेप आउटवर्ड इनटू पीपीआई यानी कि पिक्स पर इंच। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। अगर इस फॉर्मूले में पीपीआई और पीपीआई बराबर है और स्टेप्स भी स्टेप्स आउटवर्ड और अपवर्ड भी बराबर है
तो जो एंगल होगा वो अल्फा 45 डिग्री का ही होगा, जो कि हमारी सामान्य ट्विल में होता है। स्टेप्स के अनुसार ट्विल का जो कोण है अल्फा वो कैसे होता है देखिए। स्टीप ट्विल में अगर हम स्टेप अपवार्ड 2 चलते हैं तो 63 डिग्री, स्टेप अपवार्ड जो है 3 अगर होगा तो 70 डिग्री, 4 स्टेप अपवार्ड होंगे तो 75 डिग्री, 5 स्टेप अपवार्ड होंगे तो 85 डिग्री। और इसी तरह रिक्लाइनिंग वाले ट्विल्स हैं उनमें 1 स्टेप अपवार्ड और 2 स्टेप आउटवार्ड अगर हम चलेंगे तो 27 डिग्री, 1 स्टेप अपवार्ड और 2 स्टेप आउटवार्ड 3 स्टेप आउटवार्ड चलेंगे तो 20 डिग्री, और 4 स्टेप आउटवार्ड चलेंगे तो 15 डिग्री, और इसी तरह 5 स्टेप आउटवार्ड चलेंगे तो 5 डिग्री का कोण हमें मिलेगा हमारे डायगोनल में। ये देखिए यहाँ इसमें स्टीप ट्विल और रिक्लाइनिंग ट्विल के एंगल्स को दर्शाया गया ग्राफ पर जब हम बनाते हैं तो वो इस तरह की हमें ट्विल लाइन दिखाई देंगी। देखिए 15 डिग्री पर इस तरह है, 20 डिग्री पर इस तरह है, 27 डिग्री पर इस तरह है, और 45 डिग्री जो नॉर्मल हमारा ट्विल है उसमें इस तरह है। देन स्टीप ट्विल में 63 डिग्री, 70 डिग्री और 75 डिग्री तक का आपको यहाँ दिखाया गया है। फिगर ए में नॉर्मल ट्विल है उस 45 डिग्री का, फिगर बी में ये सारे एंगल्स को दिखाया गया है। बढ़े हुए ट्विल यानी इलोंगेटेड ट्विल का निर्माण एक दिशा में दो या दो से अधिक धागों के बिंदुओं को आगे बढ़ाकर और दूसरी दिशा में एक धागे को आगे बढ़ाकर किया जाता है। यानी कि इलोंगेटेड ट्विल जो हम बनाते हैं उसका स्टेप अपवार्ड या आउटवार्ड वो जब जिस दिशा में बनाते हैं उस दिशा में उसका दो से ज़्यादा होना चाहिए और दूसरे धागे का 1 होना चाहिए। ट्विल लाइन के कोण को स्टेप संख्या यानी इंटरलेसिंग बिंदुओं से अगले तक उन्नति की दर यानी कि स्टेप अपवार्ड या आउटवार्ड के द्वारा निर्धारित किया जाता है। बढ़े हुए ट्विल यानी इलोंगेटेड ट्विल का कोण वेफ्ट वे इलोंगेटेड ट्विल में 45 डिग्री के नीचे या वार्प वे इलोंगेटेड ट्विल में 45 डिग्री से ऊपर होता है। बढ़े हुए ट्विल यानी इलोंगेटेड ट्विल का निर्माण दो अलग अलग तरीकों से किया जाता है, पहला बाई यूजिंग स्टेप नंबर और दूसरा बाई सिलेक्टिंग ए बेस लाइन। पहला बाई यूजिंग स्टेप नंबर, यदि लंबी ट्विल यानी इलोंगेटेड ट्विल का स्टेप संख्या 2 है यानी तब यदि हम बुनाई योजना के लिए बुनियादी ट्विल से केवल विषम संख्या के थ्रेड्स को लेते हैं तो उत्पादित डिजाइन की स्टेप संख्या स्वतः ही 2 हो जाती है। यानी कि अगर हमें 2 स्टेप अपवार्ड वाला भी बनाना है या 2 स्टेप अपवार्ड वाला बनाना है तो बेसिक जो हमारा ट्विल बनाएंगे हम उस बेसिक ट्विल के ऑड नंबर वाले थ्रेड्स का जो मैनर फिल किया हुआ है अगर उसको हम कंपाइल करेंगे ऑड नंबर्स को तो हम इसमें 2 स्टेप उसमें ऑटोमेटिकली जो स्टेप्स है वो 2 हो जाएगा। बाई सिलेक्टिंग ए बेस लाइन, यहाँ पर सबसे पहले एक स्टेप नंबर चुनना होता है इस तरह से कि बेस लाइन की पुनरावृत्ति उस चरण संख्या से विभाज्य हो जाती है। उदाहरण के लिए बेस लाइन को का जो रिपीट है इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 एंड्स का रिपीट होगा, या फिर 15 बाई 3 इज इक्वल टू 5 एंड्स, यानी कि अगर हम स्टेप 2 लेते हैं तो 5 एंड्स और स्टेप 3 लेते हैं तो 5 एंड्स के लिए यानी कि 15 का साइज होना चाहिए। तो इस तरह जो है हम स्टेप नंबर के साथ में बेस लाइन सेलेक्ट करके और वो रिपीट बनाते हैं। लंबी ट्विल दो प्रकार की होती है, वार्प वे इलोंगेटेड ट्विल और वेफ्ट वे इलोंगेटेड ट्विल। वार्प वे इलोंगेटेड ट्विल यानी स्टीप ट्विल होती है जिनका एंगल 45 डिग्री से ऊपर होता है। इसमें प्रत्येक ताना में एक के बजाय कम से कम 2 स्टेप ऊपर चलते हैं, यानी स्टेप अपवार्ड जो होता है वो 2 होता है कम से कम 2। और वार्प वे इलोंगेटेड ट्विल का कोण 45 डिग्री से अधिक होता है जब बेसिक ट्विल का दोहराव यानी रिपीट साइज सम संख्या होता है, तब ट्विल लंबी ट्विल के दोहराव के आकार में ताना दागे की संख्या बुनियादी ट्विल से आधी हो जाती है। यानी कि अगर हमने 8 थ्रेड्स पर बुनियादी ट्विल बनाया है तो हमें
उसकी हाफ साइज पर एलोंगेटेड ट्विल बना लेंगे, क्योंकि इसमें हम ऑड नंबर के थ्रेड्स को लेते हैं। और बाने के धागे यानी वेब थ्रेड्स की संख्या बुनियादी ट्विल के संख्या के यार्न की संख्या के समान ही होती है, यानी वेफ्ट हमारा उतना ही रहेगा, सिर्फ वार्प हम क्योंकि वार्प पे बना रहे हैं तो वार्प आधा हो जाएगा। ट्विल जब बेसिक ट्विल का रिपीट साइज विषम संख्या है, तो यानी कि अगर हम ऑड नंबर पर कोई भी बनाते हैं, 7x7 या 9x9 पर कोई ट्विल बनाते हैं और उसकी इलोंगेटेड ट्विल बनानी होती है, तो उसकी बेसलाइन के लिए हम जो है वो उसी साइज पर बनेगा। और इसमें जो है ड्राफ्ट स्टेट ड्राफ्ट यूज किया जाता है। यहाँ देखिए पहला दो भी दी हुई है, पहली सम संख्या वाली है, इवन नंबर पर बनाया हुआ, यानी 8x8 पर जो है हमने 4 up 4 down ट्विल बनाया है, बेसिक ट्विल जेड बेसिक ट्विल। इसमें इसको जब हम इलोंगेटेड में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए हमारे नंबर ऑफ वार जो है आधे हो गए हैं, 4, और वेफ्ट आठ ही है, तो 4x8 पर हम बनाएंगे। और जो थ्रेड्स का मैनर जो हम लिया है वो 1357 1357 वाले जो धागे हैं बेसिक ट्विल के, वो मैनर हम यहाँ इसमें फिल करेंगे। तो इस तरह ये हमारा 2 step upward ऑटोमेटिकली हो गया। देखिए पहले में हमने 4 up 4 down फिल किया, फिर सेकंड में जो यहाँ पर बेसिक का तीसरा जो धागा है यहाँ पर 2 step upward हुए, हम 2 खाली छोड़े और उसके बाद हम 4 up और फिर आगे डाउन हमने किया। तो इस तरह 2 2 step ऊपर हम इसमें चलते चले गए और ये हमारा सम संख्या इवन नंबर वाला एलोंगेटेड ट्विल बन गया है। इसमें स्टेट ड्राफ्ट और पैक प्लान बना हुआ है, स्टेट ड्राफ्ट है इसलिए पैक प्लान सेम एज वीव होगा। नाउ अब हम बात करते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर पर बने हुए ट्विल को इलोंगेटेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 9 threads पर बनाया हुआ है 2 up 3 down 2 up 2 down का मैनर लेते हुए ट्विल बनाया है। इसको फिल करने के बाद जो हम मैनर लेंगे इलोंगेटेड बनाने के लिए वो सेम वैसे ही है, एक छोड़कर एक लेंगे, 1 3 5 7 और 9, पहले 1 फिर 3 फिर 5 7 9 फिर 2 4 6 और 8, इस तरह। अब हम इसको रीअरेंज तरह से कर देते हैं और वही मार्क यहाँ पर लगा देते हैं जो इन नंबर्स में बेसिक ट्विल में लगाए हुए हैं। ड्राफ्ट इसका भी स्ट्रेट है और पैक प्लान सेम एज वी बनता है, जब स्ट्रेट ड्राफ्ट होता है तो पैक प्लान एज इट बिल्कुल वी की तरह बनता है। तो इस तरह ये वार पे इलोंगेटेड या और स्टीप ट्विल हमारी बन गई है। वेफ्ट वे इलोंगेटेड ट्विल यदि बाने में एक के बजाय कम से कम 2 step बार अपवर्ड स्टेप अगर 2 हो कम से कम, तो इलोंगेटेड ट्विल का एंगल 45 degrees से कम होगा। जब बेसिक ट्विल का रिपीट साइज सम संख्या यानी इवन नंबर पर ट्विल बनाया हुआ है तो सेम जैसा पहले था वेफ्ट वे में, वैसे ही इलोंगेटेड ट्विल के आकार में वेफ्ट वे जो वेफ्ट की संख्या है वो बुनियादी बेसिक ट्विल की आधी हो जाएगी और वार्प के थ्रेड्स उतने ही रहेंगे जितना बेसिक ट्विल में है, यानी उसके समान ही रहेंगे। जब बेसिक ट्विल का रिपीट साइज विषम संख्या है तो रिपीट का साइज विषम बेसिक ट्विल के समान ही होगा। इसमें भी ड्राफ्ट जो है स्ट्रेट ड्राफ्ट काम में लिया जाता है। वेफ्ट वे इलोंगेटेड यानी रिक्लाइनिंग ट्विल व्यू, रिक्लाइनिंग ट्विल व्यू में हम बनाएंगे पहले 8x8 पर ही हमने इसको बेसिक ट्विल बनाया है 4 up 4 down का वेफ्ट वे, और इस वेफ्ट वे ट्विल को बनाने के बाद अब हम जो है इसको इलोंगेटेड ट्विल बनाते हैं। तो देखिए हमने बेसिक ट्विल में 1 से लेकर 8 तक वेफ्ट वे हमने मार्किंग की है, उसके बाद नंबरिंग करने 1 से 8 तक की नंबरिंग बेसिक में की है। तो यहाँ पर इलोंगेटेड में हम जो है ऑड नंबर वाले थ्रेड्स को हम करेंगे मार्क, तो ऑड नंबर हम इसमें मार्क करेंगे यानी नंबरिंग जो है 1 3 5 7 है, 1 3 5 7 हमने दिया है और उसमें जैसी वी फिल की हुई है बिल्कुल वैसी की वैसी हम यहाँ पर इन थ्रेड्स में फिल कर देते हैं।
और इसका ड्राफ्ट और पैक प्लान हम देखिए, स्टेट है तो स्टेट के हिसाब से हमने इसमें व्यू बना दिया है। दूसरा जो है 7x7 पर हमने ऑड नंबर पर विषम संख्या पर बेसिक ट्विल बनाया है, जिसमें टू अप टू डाउन वन अप टू डाउन का मैनर लेते हुए ट्विल फिल कर दिया है। अब इसको वेक्टर 1 से लेकर 7 तक हमने मार्क किया है, नंबरिंग की है 1 से 7 तक। यही नंबरिंग हम री नंबरिंग करेंगे जब हम इलोंगेटेड ट्विल बनाएंगे, तो 1, 3, 5, 7, 2, 4 और 6 यानी 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर पहले लेंगे और उसके बाद में बचे हुए इवन नंबर्स को हम इसमें नंबरिंग करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें सारे जो है वीव जो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें फिल कर देंगे जैसा कि इसमें फिल किया हुआ है। तो ये हमारा रिक्लाइनिंग ऑड नंबर पर रिक्लाइनिंग ट्विल बन गया है, इसका ड्राफ्ट स्टेट है और वीव सेम एज वीव होगा। नाउ कंबाइंड ट्विल यानी संयुक्त ट्विल, यह दो नियमित ट्विल के संयोजन से बनता है, यानी दो रेगुलर टाइप रेगुलर ट्विल हम इसमें लेकर उनको कंबाइन करते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित करते हैं, अल्टरनेट तरीके से हम उसको रीअरेंज करते हैं। यह कॉम्पैक्ट और दृढ़ बनावट का उत्पादन करने में सक्षम है, यानी कि कॉम्पैक्ट दो अलग अलग ट्विल होती हैं तो उनमें कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाती है। दो बुनियादी ट्विल बुनाई का दोहराव या रिपीट साइज बराबर या अलग अलग हो सकता है। दो प्रकार की संयुक्त ट्विल यानी कंबाइंड ट्विल होती हैं, पहला वार्प वे कंबाइंड ट्विल और दूसरा वेफ्ट वे कंबाइंड ट्विल। ताना तरीके से संयुक्त ट्विल में यानी वार्प वे कंबाइंड ट्विल में विभाजित डिवाइडेड ड्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। हील शाफ्ट को दो समूहों में विभाजित किया जाता है, पहला समूह यानी पहला ग्रुप पहले डिजाइन को कंट्रोल करता है और दूसरा समूह दूसरे डिजाइन को कंट्रोल करता है। वेफ्ट वे कंबाइंड ट्विल में स्टेट ड्राफ्ट का उपयोग किया जाता है और रिपीट साइज की गणना करने के लिए ये फॉर्मूले हैं। देखिए पहला है, यदि दो बुनियादी ट्विल के दोहराव के आकार रिपीट साइज अगर समान है तो उस केस में वार्प वे कॉम्बिनेशन में वार्प यार्न ऑफ कंबाइंड डिजाइन जो होंगे वार्प यार्न ऑफ बेसिक ट्विल इंटू टू और वेफ्ट यार्न ऑफ कंबाइंड डिजाइन इज इक्वल टू वेफ्ट यार्न ऑफ बेसिक ट्विल, यानी कि यार्न के तो दोनों को मिलाकर जो जितने थ्रेड्स हैं उतने हो जाएंगे और वेफ्ट उतना ही रहेगा। और यदि दो बुनियादी ट्विल के दोहराने के आकार रिपीट साइज समान नहीं है समान है तो उस केस में वार्प वे कॉम्बिनेशन में वार्प यार्न ऑफ कंबाइंड डिजाइन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ वार्प यार्न ऑफ बेसिक ट्विल इंटू टू और वेफ्ट यार्न ऑफ कंबाइंड डिजाइन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ वेफ्ट यार्न ऑफ बेसिक ट्विल। ये फॉर्मूला है जिससे कि हम नंबर ऑफ थ्रेड्स और रिपीट साइज को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4x4 दो वीव लिए हैं, 4x4 पर बने हुए हैं। पहला जो लिया है जेड टू अप टू डाउन का ट्विल लिया है, मार्क हमने 1, 2, 3, 4 इसमें थ्रेड्स को मार्क किया है और दूसरा जो है वो लिया है 3 अप 1 डाउन ट्विल जिसको ए बी सी डी हमने बार पे आंस को मार्क किया है। अब देखिए यहाँ पर कंबाइंड जब हम करेंगे तो अल्टरनेट थ्रेड्स को कंबाइन करेंगे तो पहला पहले वीव का पहला थ्रेड यानी 1, दूसरा थ्रेड जो होगा वो दूसरे वीव का पहला थ्रेड यानी ए, तो इस तरह 1A 2B 3C 4D इस तरह हम अरेंज कर लेंगे अल्टरनेट तरीके से। और उसके बाद जैसा उन थ्रेड्स में वीव फिल किया हुआ है वही वाला वीव यहाँ हम फिल कर देते हैं, तो इस तरह ये हमारा कंबाइंड वार्प वे कॉम्बिनेशन या वार्प वे कंबाइंड ट्विल बन जाता है जिसमें दो डिवाइडेड ड्राफ्ट हैं, दो इसमें ग्रुप हैं, 1, 4 और ए बी सी डी। देखिए ड्राफ्ट में भी हमने दो ग्रुप लिए हैं, 1 से 4 तक पहला वीव है और ए बी सी डी वाला दूसरा। तो जब हम पैक प्लान बनाएंगे तो पैक प्लान भी इसी तरह पहला जो ग्रुप है वो पहले वीव की तरह और दूसरा ग्रुप है दूसरे वीव की तरह फिल होगा। ये वार्प वे कॉम्बिनेशन ट्विल है। यहाँ पर सेकंड केस है जिसमें रिपीट साइज
दोनों व्हील्स की, बेसिक व्हील्स की अलग अलग हमने ली है। इस केस में आप देखिए कि 6x6 पर पहला व्यू बनाया है और 4x4 पर दूसरा व्यू हमने बनाया है। पहले व्यू में 3 अप 3 डाउन का बेसिक व्हील फिल किया है और सेकंड जो लिया है उसमें 2 अप 2 डाउन एस डायरेक्शन में लिया है, यानी कि लेफ्ट हैंड ट्विल इसमें लिया है, यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ट्विल का कॉम्बिनेशन हम इसमें बनाएंगे। तो इसके रिपीट साइज निकालने के लिए 6 और 4, यानी कि 2 इनमें कॉमन फैक्टर है, तो 3 × 4 = 12। तो 12 तो इसके होंगे वेफ्ट और एलसीएम 12 × 2 वार के यार्ड्स होंगे, तो 12 × 2 = 24। तो 24/12 पर हमारा ये व्यू बनेगा। अब इसमें मार्किंग जो है वो अल्टरनेट हमने की है, देखिए वन एक छोड़ के एक हम पहले व्यू को लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, फिर उसके बाद एक से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि पहले व्यू के 2 रिपीट इसमें आ रहे हैं और दूसरा जो व्यू है उसके 3 रिपीट्स में आएंगे। तो अब जो बचे हुए हमें खाली अल्टरनेट थ्रेड्स जो हैं उनमें ABCD 3 बार हमने इसको मार्किंग कर दिया है और अब इन नंबर के अकॉर्डिंग हम इन व्यूज को इनमें फिल कर देते हैं। जैसा इन थ्रेड्स बेसिक ट्विल्स में फिल है बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पर हम कंबाइंड ट्विल में उनको फिल कर देते हैं और ये हमारा वार्क वे कॉम्बिनेशन कंबाइंड ट्विल विद ऑड नंबर ऑफ रिपीट साइज को हमने यहाँ पर बनाया है। अब इसका ड्राफ्ट जो है वो ही डिवाइडेड ड्राफ्ट होगा, जिसमें पहला ग्रुप 1 से लेकर 6 तक हील तक का है और दूसरा ग्रुप जो है 4 हील, यानी 10 हील पे ये बनेगा, 6 और 4 10 हील पर, जिसमें दोनों ग्रुप्स कंट्रोल हो जाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर हम इसमें टैग प्लान बना देते हैं। यानी कि पहले 6 हील्ड में पहला वाला बेसिक ट्विल आ जाएगा और दूसरे 4 हील्ड में जो टैग प्लान में वो सेकेंड वाला व्यू आ जाएगा, जो कि इस तरह बना हुआ है आप देखिए। नाउ बाना तरीके से कंबाइंड वेफ्ट वे कंबाइंड ट्विल बनाने में भी स्ट्रेट ड्राफ्ट का ही उपयोग किया जाता है और रिपीट साइज की गणना जो है वो फॉर्मूला जैसा हमने वार पे में था वैसे ही यहाँ पर है। यदि दोनों बुनियादी ट्विल में रिपीट साइज समान है तो वेफ्ट वे कॉम्बिनेशन में वार्प यार्न ऑफ कंबाइंड डिजाइन इज इक्वल टू वार्प यार्न ऑफ बेसिक ट्विल, क्योंकि हमने वेफ्ट वे बनाना है तो वार्प यार्न में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन वेफ्ट यार्न ऑफ कंबाइंड डिजाइन इज इक्वल टू वेफ्ट यार्न ऑफ बेसिक ट्विल इंटू 2, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डबल हो जाएगा। अगर दोनों बुनियादी ट्विल के रिपीट साइज असमान है, समान नहीं है, तो वेफ्ट वे कॉम्बिनेशन में जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी, वार्प यार्न ऑफ कंबाइंड डिजाइन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ वार्प यार्न ऑफ बेसिक ट्विल, यानी बेसिक ट्विल के जो वार्प हैं उनका एलसीएम जो आएगा वो वार्प होंगे, वार्प यार्न होंगे, और वेफ्ट के यार्न 2 × LCM ऑफ वेफ्ट यार्न ऑफ बेसिक ट्विल, यानी बेसिक ट्विल के एलसीएम का डबल जो है वो वेफ्ट यार्न के संख्या होगी। तो रिपीट साइज इस तरह हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें 2 हमने वीव लिए हैं, पहला 5 2 अप 3 डाउन और दूसरा जो है बेसिक ट्विल लिया है, जेड ट्विल है, और दूसरा 2 अप 1 डाउन 1 अप 1 डाउन पर हमने लिया है, 5x5 की साइज़ के 2 वीव लिए हैं। अब इनको वेफ्ट वे कंबाइन करने के लिए रिपीट साइज हम निकालेंगे, एलसीएम क्योंकि ये समान साइज में है तो वार्प के थ्रेड्स में कोई चेंज नहीं होगा, जो बेसिक ट्विल में है उतने ही वार्प होंगे, तो यहाँ 5 वार्प हैं। वेफ्ट जो है वो दोनों बेसिक ट्विल्स का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 5 × 2 = 10, 10 पर ये बनेगा, 5/10 पर ये बनेगा। यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट व्यू में 1 से 5 तक नंबरिंग की है और सेकेंड व्यू में ABCDE हमने मार्क किया है, तो उन्हीं को हम यहाँ अल्टरनेट वेफ्ट पर मार्क करेंगे। एक नंबर पहला लिया, फिर उसके बाद 1 छोड़कर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह 1 छोड़कर 1 पर हमने नंबरिंग डाल दी
और जो बीच खाली बचे हैं उनमें पहला ए और फिर बी सी डी और ई, जैसा कि इसमें मार्क किया हुआ है आप देखिए। और अब जो है वेफ्ट वे, यानी कि पहले में पहला थ्रेड में जो वेफ्ट वे मार्क है वो हम एज इट इज इसमें फिल कर देंगे, पहला दूसरा तीसरा और इसी तरह ए बी सी डी, ये सब हमने इसमें फिल कर दिया और ये हमारा वेफ्ट वे कम्बाइंड ट्विल बनकर तैयार हो गया। इसका ड्राफ्ट जो है वो स्टेट ड्राफ्ट है, तो स्टेट ड्राफ्ट होने के कारण इसका पैक प्लान सेम एज वीव होगा। नो, जब दूसरा केस, जब दोनों रिपीट साइज अलग अलग हों, समान नहीं हों, तो यहाँ पर देखिए पहला वीव हमने 4x4 पर लिया है, 2 अप 2 डाउन एस डायरेक्शन का ट्विल है, यानी लेफ्ट हैंड ट्विल, और दूसरा हमने 3x3 पर 1 अप 2 डाउन का राइट हैंड ट्विल लिया है। अब इसको कंबाइन करने के लिए हमें वार्प यार्न्स जो निकालने हैं इन दोनों का एलसीएम होगा, तो वार्प यार्न 4 × 3 = 12 होगा, 12 तो हमारे वार्प यार्न हो गए, और वेफ्ट यार्न होंगे, वेफ्ट यार्न की जो संख्या होगी वो होगी एलसीएम ऑफ बेसिक ट्विल, यानी 4 × 3 = 12 × 2, यानी 4 × 3 × 2, तो ये हो गया 24, तो 24 हमारे वेफ्ट होंगे, यानी 12 वार्प और 24 वेफ्ट पर ये बनेगा। मार्किंग हम वही, हम पहले 1 2 3 4, फिर अगले ग्रुप में 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि पहले वीव के 3 रिपीट इसमें हम दिखाएंगे 3 बार रिपीट करके, और दूसरा ए बी सी डी 4 बार रिपीट होगा, जो अल्टरनेट थ्रेड्स पर हमने इसको मार्क किया है, और इनको अल्टरनेट जैसे मार्क किया है वैसा का वैसा ही इन बेसिक वीव्स को हम इसमें फिल कर देंगे, जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा हम इसमें फिल करते चले जाएंगे, और इस तरह ये हमारा कंबाइंड ट्विल तैयार हो गया है। इसका स्ट्रेट ड्राफ्ट है तो पैक प्लान भी सेम एज वी होगा। नाउ डायमंड ट्विल या डायमंड वीव, यह ट्विल बुनाई का ही एक व्युत्पन्न है। डायमंड ट्विल एक समपक्षीय है, यानी सिमेट्रिकल ट्विल है, जिसमें बुनाई डायमंड पैटर्न का उत्पादन करती है, यानी डायमंड शेप्स उसमें बनती हैं। डायमंड वीव ट्विल बुनाई का ही एक विस्तार है, यानी एक्सटेंशन ऑफ ट्विल वीव है। डायमंड डिजाइन को पॉइंटेड ड्राफ्टिंग सिद्धांत के आधार पर विकसित किया जाता है। यह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जिगजैग बुनाई का संयोजन से भी बनाया जाता है। इस डिजाइन का रिपीट साइज भी नियमित या बेसिक ट्विल डिजाइन से गणना की जाती है। इस मामले में इस बुनाई में ताना और बाने दोनों की संख्या क्रमशः बेस ट्विल के ताना और बाने की संख्या से दोगुनी होती है। उदाहरण के लिए यदि मूल रेगुलर ट्विल का रिपीट साइज 4x4 है तो इस डिजाइन का रिपीट साइज 8x8 होगा। यह एक रिवर्सिबल डिजाइन होती है, जिससे यह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों में दो समान भागों में विभाजित हो सकता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए पॉइंटेड या वी ड्राफ्टिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये मुख्य रूप से पर्दे, सोफा कवर, फैंसी ड्रेस मटेरियल और डेकोरेटिव पर्पस से, जैसे कि कपड़े के अलंकरण, ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक के लिए उपयोग किया जाता है। डायमंड 3 अलग तरीकों से तैयार किया जा सकता है। देखिए टाइप्स ऑफ डायमंड, उसमें ड्राफ्ट कैसा होगा, पैक प्लान कैसा होगा। पहला ऑर्डिनरी और पॉइंटेड डायमंड, इसमें ड्राफ्ट पॉइंटेड होगा और पैक प्लान भी पॉइंटेड ट्विल की तरह होगा। दूसरा है कट डायमंड या डाइपर, हेरिंग बोन इसमें ड्राफ्ट होता है और हेरिंग बोन ही इसमें ट्विल यूज की जाती है। तीसरा है कंबाइंड डायमंड, जिसमें डायमंड ऑर्डिनरी डायमंड और कट डायमंड को कंबाइन करके बनाया जाता है। ये पॉइंटेड ट्विल या हेरिंग बोन वाइस वर्सा हो सकता है, और पैक प्लान भी हेरिंग बोन या पॉइंटेड ट्विल, दोनों में से कोई एक हो सकता है। पहला ऑर्डिनरी और पॉइंटेड डायमंड, और इसको बनाने के लिए ड्राफ्ट एंड पैक प्लान पॉइंटेड ट्विल और जिगजैग 10x16 एंड्स पर बनाया जाता है।
डायमंड को सबसे पहले सीधे तैयार किया जा सकता है, यानी कि सीधा डिजाइन बनाया जा सकता है, या पहले ड्राफ्ट और पैक प्लान बनाकर फिर उससे डिजाइन तैयार किया जा सकता है। डायमंड दोहराव दो रूप में होता है। पहला जो कंडीशन है वो डायमंड की तरह है। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन दिखाई गई है जिसमें ड्राफ्ट जो है पॉइंटेड है और पैक प्लान भी पॉइंटेड है, और उसके साथ जो डिज़ाइन बनेगा वो डिज़ाइन इस तरह का डायमंड की शेप बनती है। यहाँ ग्राफ पेपर पर जब बनाते हैं तो इसको देखिए, हम बेसिक जो फील बनाया है बेसिक फील को S3 up 2 down का S फील बनाया है, उसको हम फिल करते हैं। और यहाँ पर पॉइंटेड ड्राफ्ट लिया है देखिए, और ये पॉइंटेड ड्राफ्ट को यहाँ से शुरू करके उल्टा हमने इसमें बनाया है पाइप प्लान में, और इसमें एक्स्ट्रा मार्क लगा दिए हैं हमने तीन तीन। अब इनकी मदद से, इनके हेल्प से जब हम डायमंड बनाएंगे तो देखिए पहला ड्राफ्ट का पहला हील और पहला थ्रेड, तो यहाँ पर पाइप प्लान में जैसा फर्स्ट थ्रेड में है बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पर कर देंगे। सेकंड थ्रेड में सेकंड की तरह, थर्ड में थर्ड की तरह, फोर्थ में फोर्थ की तरह, फिफ्थ में फिफ्थ की तरह, और सिक्स्थ में सिक्स्थ की तरह हम फिल कर देंगे। उसके बाद ये रिवर्स होता है, फिफ्थ सिक्स्थ नहीं होता, फिफ्थ रिपीट होता है, 4 3 2 तक इसको रिपीट करते हैं, 2 तक, 6 और 1 जो है रिपीट नहीं होता है। इसलिए ये इस तरह का डायमंड हमारा डायमंड शेप तैयार हो जाती है। इसमें पैक प्लान में स्टार्टिंग पॉइंट जो है हमने यहाँ से लिया है, राइट हैंड कॉर्नर लोअर कॉर्नर से बिल्कुल पॉइंटेड की तरह बना देते हैं, और फिर इसमें एक्स्ट्रा मार्क लगाते हैं। एक तरीका, दूसरा तरीका देखिए, एक ये ड्राफ्ट हमने बनाया है, पॉइंटेड ड्राफ्ट है, और ये पैक प्लान बनाया है। स्टार्टिंग हमने इसकी भी राइट हैंड लोअर कॉर्नर से लिया है, और इसकी हेल्प से हम इसको फिल करते हैं, तो इस तरह का डायमंड भी तैयार हो जाता है। ये 10x10 पर हमने इसको बनाया है। दूसरी कंडीशन है क्रॉस की तरह। क्रॉस की तरह जो कंडीशन है उसमें देखिए, यहाँ पर ड्राफ्ट पॉइंटेड है और पैक प्लान जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज कर दिया है। इसमें जो हमने अब इसको लोअर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्टिंग पॉइंट रखा है पॉइंटेड पैक प्लान में पॉइंट बनाने के लिए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे पिछले वाली कंडीशन से, उल्टी कंडीशन में पैक प्लान बनाएंगे। तो इस तरह देखिए यहाँ पर पॉइंटेड ड्राफ्ट हमने फिल कर दिया ब्लू कलर से, और उसके बाद ये पैक प्लान हमने लोअर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट किया, और एक एक एक्स्ट्रा मार्क इसके राइट हैंड साइड में हमने लगा दिया है। ये बेस मार्क से, इसको हमने बेस मार्क माना ब्लू कलर में, और उसके बाद आगे हमने एक एक एक्स्ट्रा मार्क हमने लगा दिया है। और इस तरह ड्राफ्ट और पैक प्लान की हेल्प से जब हम इसको मैन बीम को हम फिल करेंगे, तो ये हमारी साइज जो हमने बनाई है उसके ऊपर ये फिल हो जाता है। 10x10 की साइज पर हमने इसको बनाया है, तो ये इस तरह हमारा क्रॉस स्टाइल में डायमंड जो है वो तैयार हो जाता है। इसको दूसरे तरीके से बना दिया गया है, देखिए यहाँ पर हमने पॉइंटेड किया है, हील्ड कम दिए हैं, 4 हील्ड पर हमने इसको बनाया है। तो पॉइंटेड ड्राफ्ट बना देते हैं पहले, फिर इसको लेफ्ट लोअर एंड से पाइप प्लान को स्टार्ट करके और ये फिल कर दिया, और ये इनकी दोनों की मदद से हम इसको जब मेन व्यूज में भरते हैं तो ये इस तरह के डायमंड हमारे तैयार हो जाते हैं। सेंटर में एक क्रॉस हमें इसमें दिखाई दे रहा है, क्रॉस स्टाइल में बनता है। डायमंड डिजाइन की विशेषता, इसका निर्माण जिगजैग व्हील के सिद्धांत पर किया जाता है। यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिगजैग व्हील के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। डायमंड डिजाइन बनाने के लिए पॉइंटेड ड्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। दो ताना और बाने की यान की संख्या रिपीट में मूल ट्विल से दोगुनी होती है। दोनों वार्प और वेफ्ट की जो रिपीट में संख्या है वो
बेसिक फिल जो हम लेते हैं उससे दोगुनी होती है। इसे चार बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसे वर्टिकल और ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के साथ दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। डायमंड अपने वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर सिमेट्री बनाते हैं। दूसरा है डायमंड बनाने का तरीका, कट डायमंड और डाइपर। कट डायमंड को डाइपर भी कहते हैं। तो दूसरा जो तरीका है वो हम कट डायमंड का बनाते हैं। फिल की बुनाई का यह व्युत्पन्न हेरिंगबोन सिद्धांत के आधार पर बनाया जाता है। इस डिज़ाइन का निर्माण हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हेरिंगबोन फिल को मिलाकर किया जाता है। डाइपर डिज़ाइन के रिपीट में ताना और बाने के धागे की संख्या इसके मूल यानी बेसिक फिल्स में से दो गुना अधिक होती है। अगर मूल फिल का आकार 8x8 है तो डाइपर डिज़ाइन का रिपीट साइज 16x16 होगा। ड्राफ्ट और पैक प्लान हेरिंगबोन ड्राफ्ट की तरह होगा जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। देखिए एक से लेके एन तक और फिर n/2 1 और n/2+1 तक इसको हम इसमें दिखाते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर हम जो बना रहे हैं, पहले हमने हेरिंगबोन ड्राफ्ट बना दिया 6 हील्ड पर 6x12 पर 12 थ्रेड्स और 6 फिक्स 12x12 फिक्स पर हमने इसको बना लिया है। अब इसको देखिए पैक प्लान बना दिया है वही, और स्टार्टिंग पॉइंट हमने राइट हैंड का लोअर कॉर्नर से शुरू किया है 1 to n तक यानी 1 से 6 तक हमने भर दिया। फिर उसके बाद में n/2 से 1 तक ले लिया और फिर लास्ट से n/2+1 तक हमने इसको फिल कर दिया। n से n+2 तक हमने इसको फिल कर दिया रिवर्स साइड में। और इन दोनों की हेल्प से जब हम ये व्यू बनाएंगे तो इस तरह का ये कट डायमंड या डाइपर भी तैयार हो जाता है। ये हमने एक अलग तरीके से बनाया है। देखिए यहाँ पर भी वही 6 हील्स पर बनाया है 12 थ्रेड्स और 6 हील्स पर। इसमें देखिए 1 से लेके 6 तक स्ट्रेट, फिर n/2 से 1 तक रिवर्स आए, फिर n से n/2+ तक रिवर्स आए। तो इस तरह ये ड्राफ्ट और पैक प्लान। पैक प्लान में हमने यहाँ पर दोनों केस लिए हैं, एक लेफ्ट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट करके और दूसरे में राइट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट करके। और दोनों ही केसेस में बेस मार्क लगाने के बाद एक्स्ट्रा 2 मार्क और हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इन दोनों की हेल्प से ये व्यू हमने तैयार किया है। देखिए इस तरह हमारा डाइपर व्यू के 2 शेप्स हमें दिखाई देती हैं। डाइपर डिज़ाइन की विशेषताएं, इसका निर्माण हेरिंगबोन ट्विल के सिद्धांत पर किया जाता है। यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हेरिंगबोन के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। डिज़ाइन बनाने के लिए स्ट्रेट या ब्रोकन ड्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। ताना और बाना दोनों यार्न की संख्या रिपीट में बेसिक ट्विल से दोगुनी होती है। बेसिक ट्विल में जितने होंगे उससे डबल इसमें धागे होते हैं। इसे डायगोनल एक्सिस के साथ 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है, यानी विकर्ण वाली साइड से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 भागों में बराबर बांटा जा सकता है। डाइपर उनके विकर्ण अक्ष पर सिमेट्रिकल होते हैं। उपयोग तौलिया, टेबल क्लॉथ, पैड कवर, पिलो कवर और डेकोरेटिव घरेलू कपड़े जो है उनमें इसको काम में लिया जाता है। डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड डाइपर, तो डायमंड और डाइपर में क्या अंतर है, ये हम इसके जो विशेषताएं थी दोनों की वो विशेषता ही इनका अंतर है। पहला, डायमंड जो है इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जिगजैग फिल। नाउ डाइपर इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हेरिंगबोन फिल, यानी कि डायमंड जिगजैग फिल के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है और
डाइपर हैरिंग बोन के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। और दूसरा अंतर है, इट इज़ फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिगजैग ट्विल, एंड दूसरा इट इज़ फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हैरिंग बोन ट्विल, तीसरा है पॉइंटेड ड्राफ्ट इज यूज टू मेक डायमंड डिज़ाइन, यानी डायमंड में पॉइंटेड ड्राफ्ट काम में लिया जाता है, स्ट्रेट और ब्रोकन ड्राफ्ट इज यूज टू मेक डायमंड डिज़ाइन, यानी डाइपर डिज़ाइन बनाने के लिए स्ट्रेट या ब्रोकन ड्राफ्ट को काम में लिया जाता है। नाउ डायमंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली अगर दो भागों में डायमंड ट्री को काटा जा सकता है, जबकि डाइपर में डायगोनल इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स अलोंग डायगोनल एक्सिस के साथ इसको दो भागों में काटा जा सकता है। नाउ छठा है, डायमंड फॉर्म्स सिमेट्री अक्रॉस देयर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और डाइपर फॉर्म्स सिमेट्री अक्रॉस देयर डायगोनल एक्सिस। तो ये इसका डिफरेंसेस हैं। आज के इस लेक्चर में आपने ट्विल वीव एंड इट्स डेरिवेटिव पार्ट टू में आपने जो है इलॉन्गेटेड ट्विल, कम्बाइंड ट्विल और रीअरेंज ट्रांसपोज ट्विल और डायमंड डाइपर और कम्बाइंड ट्विल को अच्छे से समझा, और आई होप कि आप इनको अच्छे से समझ पाए होंगे और आगे इनको बना भी पाएंगे। थैंक यू।